यू नो, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खाने में एक अलग ही मजा है। पिछले सीजन में मैंने दो अमेजिंग थाली ट्राई की विद सम ऑफ माय डियर फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा इस सीजन में क्यों ना और एक यूनिक थाली ट्राई कर लूँ और अपने आप को और चैलेंज कर लूँ। इसलिए आज मैं आया हूँ गजीबो ढाबा एंड रेस्टोरेंट इन पनवेल नवी मुंबई टू ट्राई देयर मैसिव टर्किश प्लेटर। और जैसे आप देख सकते हैं, देर आर दीज अमेजिंग ब्यूटिफुल गजीबोज ऑल अराउंड मी, वे यू कैन सिट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड एन्जॉय अ ग्रैंड फीस्ट। यू नो, मेरे दोस्त ऑलरेडी आ चुके हैं टू हेल्प मी फिनिश द प्लेटर, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट। हाउएवर, द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ दिस प्लेस इज यहाँ की मैसिव थाली, एंड व्हेन आई से मैसिव, इट इज ह्यूमंगस। आज मैं और मेरे दोस्त जो प्लेटर ट्राई करने वाले हैं, दैट इज 8 feet 7 inches लॉन्ग एंड इज लोडेड विद नॉन वेज डेलिकेसीज। विद मी टुडे है द ओनर्स ऑफ द गजीबो ढाबा, अरफात भाई एंड आसिफ भाई, एंड वी हैव द शेफ, शेफ कादर खान जी, हु इज द ब्रेन बिहाइंड दिस टर्किश नॉन वेज प्लेटर। यूजली हमने देखा है बड़ी थाली या थाल होता है वो ऐसे गोल होता है, पर ये कम से कम आपने बोला 8 feet का है, ये 8 feet 7 inch है। 8 feet 7 inch, मैं अगर लेट भी गया तो भी कवर नहीं कर पाऊंगा। ओके गाइज, इट्स टाइम टू अटैक। मैंने शुरुआत की है स्लाइडर लैम से, नाइस एंड स्पाइसी लैम, बहुत अच्छे से पका है, हैज अ स्मूथ फ्लेवर थ्रू आउट, हल्का सा स्पाइस है एंड में, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर, ये तो हम शुरुआत हो गई है, पर वो जो नान वहाँ मुझे दिख रहा है ना, वो क्या है? वो रोटी नहीं, रोटा लग रहा है। नहीं, ये हमारे टर्की में अरबी और अफगानिस्तान में ये सब ये ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, और ये ब्रेड वहाँ चलती है। अच्छा, तो हाँ, वहाँ लोकली लोकल लोग काफ़ी खाया जाता है, काफ़ी और ये यही साइज की बनती है, तो सर हो जाए, सब लोग थोड़ा थोड़ा ले ले नान। यस गाइस, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ देन हेल्प मी। ओके देन, मैं आपको अपने हाथों से। प्लीज सर, ये मैं एक्चुअली ट्राई करने वाला हूँ लेबनानी टिक्का के साथ। वो जो सॉस है ना उसके ऊपर गार्लिक वाला फ्लेवर है, सो नाइस, इट जस्ट वेरी वेरी गुड। अब हमारा आप ट्राई करिए ब्लैक मामा चाप। ये रहा ब्लैक मामा चाप, स्वीट है, स्पाइसी है, चाप इज कुक परफेक्टली, मज़ेदार, इट्स लाइक परफेक्ट परफेक्ट। गाइस, मैं बहुत बोल चुका हूँ खाने के बारे में, व्हाट डू यू गाइस थिंक? द होल वर्ल्ड इज इन माय प्लेट राइट नाउ, इट्स सो मेनी फ्लेवर्स एंड इट्स क्रेजी बिकॉज नॉर्मली यू नो एक ही टाइप का फ्लेवर होता है। या एग्जैक्टली, यू हैव सो मेनी यूनिक फ्लेवर्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लाइक देयर आर मेनी फ्लेवर्स जो हमने नहीं खाए हैं in normally. Exactly. I mean, there is an Indian touch, but still there is a variety which is mind-blowing. Okay guys, दो लोग हैं जो सिर्फ खा रहे, कुछ बोल नहीं रहे, तो guys, I want to know तुम लोगों को कैसे लगा? As you can see, they are speechless because the food is amazing. आप प्लेट देख रहे हो, हम enjoy कर रहे हैं सब. So I just had the chapli kebab in the meanwhile. It is so 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 nice, mutton perfectly spiced, बढ़िया सा layer हो गया है ऊपर on the kebab, ये shallow fry किया है तो हल्का सा fried texture आ गया है ऊपर, तो bite भी है, so good, I am really liking this. This is so good, it's creamy, well marinated, evenly spiced, और क्या कुक हुआ है, इट इज सो सॉफ्ट एंड टेंडर। हाँ, अपने ओपनिंग बैट्समैन तो ख़त्म हो गए कबाब सारे, अब आ गए हम मिडिल ऑर्डर पे,
जो है सब राइस और ग्रेवी. एज यू कैन सी आई हैव गॉट अ फ्रेश प्लेट क्योंकि मैंने इतना सब खाया है. सर प्लीज. ये हमारी टर्की की फेवरेट लैम ग्रेवी है. ये हमारा खेप्सा राइस है. हाँ जी. और ये मेरी मद्दी राइस है. ओके तो अब राइस और ग्रेवी पे आ चुके हैं हम लोग. तो सर प्लीज कुछ बताइए हमें सारे राइस और ग्रेवी के बारे में. ये हमारा अदाना राइस है. अदाना राइस. ये मंदी राइस है. मंदी राइस. हाँ. ये खप्सा राइस है. खप्सा राइस. और ये हमारा जो है ईरानी. ईरानी फ्राइड राइस. और ये आप कुछ मुझे ग्रेवी के बारे में बता रहे हैं. ग्रेवी हमारी इस्तांबुल में इसको बहुत पसंद करते हैं. ये ग्रेवी है. और गोश्त है. ये अरबी में बोलते हैं इसको जैतून. जैतून. हाँ. इंग्लिश में बोलते हैं ऑलिव. ये रहा जैतून विद द राइस. रिच फ्लेवर. टमेटो का टेस्ट है. अनियन है. ऑलिव का जो टेस्ट आ रहा है. एंड ऑफ कोर्स द लैम इज कुक्ड परफेक्टली. लैम नहीं गोश्त है. और ये मैं थोड़ा ये केप्सा राइस के साथ खाऊंगा. और जैतून गोश्त जो है ना सारे राइस के साथ बहुत ही अमेजिंग. बहुत ही अमेजिंग. तो शेफ साहब आप बता रहे थे कि ये कम से कम 15-16 लोग खा सकते हैं. हाँ 16-17 लोग खा सकते हैं. मुझे एक्चुअली एक क्वेरी थी या ऐसे एक क्यूरियोसिटी थी कि ये पहले लोगों ने ख़त्म किया है. बहुत से लोगों ने ख़त्म किया. 12 आदमी ने खाया पूरा प्लेटर. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये अलग अलग रीजन से अलग अलग डिशेज है. अलग अलग फ्लेवर्स है. कल्चर्स है. एंड इट्स ऑल ऑन वन प्लेटर विच इज़ द बेस्ट थिंग. सर मेरा वो ट्राई करिए. आपने वो नहीं लिया. बाकी सारे आइटम लिया है हमारे अल गजीबो का मैन डिजीज. आप ट्राई करिए. चिकन ऐसे तो छोड़ तो सकते हैं नहीं. तो अल गजीबो तंदूरी. यूजली तंदूरी हमने देखा है लाल कलर की होती है पर ये गजीबो स्पेशल तंदूरी है. इसमें चीज़ है. ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है. एंड इट्स नाइस एंड शाइनी ऑन द आउटसाइड. मैंने कैसे मिस कर दिया मुझे पता नहीं क्योंकि ये इतना टेस्टी है. चीज़ का फ्लेवर है. द कर्ड बादाम का भी टेस्ट आ रहा है. सो टेस्टी. अर्जुन सर एक रह गया आपका जाफरानी टिक्का. अभी इतने सारे डिशेस होंगे कुछ ना कुछ तो शायद रह ही जाएगा. बट ये वेरी टेस्टी. ज़रूर जाफरानी टिक्का. आप इतने प्यार से खिलाएंगे तो हम. अरे सर अभी तो आपने 2 किलोमीटर चले हैं. आपको 10 किलोमीटर चलना है. वो तो लग ही रहा है. मुझे शायद बाग के घर जाना पड़ेगा आज. बट ये रहा जाफरानी टिक्का. सैफरन का फ्लेवर है. ओके तो मैं इतना सारा खाना और डिशेस खा चुका हूँ कि आई हैव लॉस्ट ट्रैक कि कितने डिशेस थे. तो सर मुझे प्लीज़ बताइए कि इसमें कितने डिशेस थे. इसमें 14 डिशेस हैं और ग्रेवी दो ग्रेवी अलग है. ओके टोटल हमारे पास 15 डिशेस हैं. 15-16 के करीब है. वी हैव अ प्लेटर विच स्टार्ट फ्रॉम 3000, 5000, 7000, 9, 11 एंड 15 एज ऑफ नाउ. एंड ऑल्सो इन फ्यूचर वील हैव अ बिग प्लेटर ऑफ 35000 वेयर यू नो एटलीस्ट 45000. या वेयर 40 पीपल लाइक अ बिग ग्रुप कैन ईट. सो दैट इज आवर फ्यूचर प्लान. 40 पीपल गाइस. 40 पीपल का तो इससे डबल होगा. या ऑलमोस्ट डबल द साइज. मैं सोच भी नहीं सकता इससे डबल. वाओ दैट इज क्रेजी. और ये नॉन वेज लवर्स के लिए ये है हेवन. पैराडाइज बोल सकते हैं. अर्जुन अब एक बाकी है अरबिक शैम्पेन. ओ ओके तो ये कुछ बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है. इतने सारे खाने के बाद कुछ रिफ्रेशिंग तो ज़रूरी था. एंड ये रहा अरबिक शैम्पेन मॉकटेल. जस बहुत ही रिफ्रेशिंग है. मच नीडेड आफ्टर ऑल दैट हैवी फूड. ओके जैसे आप देख सकते हैं हम थक चुके हैं इतना सारा खाना खा के.
तो हमने सोचा क्यों ना छोटा सा ब्रेक ले ले, पर ब्रेक मतलब मीठा खा ले। तो सर प्लीज़ बताइए ये क्या है। ये हमारी फैमिली डेजर्ट है इस्तांबुल कज़न डीवी। इसके अंदर स्टफिंग है, पिस्ताचो, सैफरान, थोड़ा गुलाब का फूल का बॉर्डर है। ये मैं सीधा इसमें से ही स्टार्ट करिए आप बाइट लेने वाला हूँ। Amazing. I thought थोड़ा ज़्यादा स्वीट होगा पर बिल्कुल नहीं है। द स्टफिंग ऑफ द पिस्ता, द केसर, यू नो द रिच, इट जस्ट सो 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 गुड। और खाना ओके, तो अब डिज़र्ट भी हो चुका, स्टार्टर्स हो गए, मेन्स हो गए, ये भी हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फीस ख़त्म हो चुका है, हमने छोटा सा ब्रेक लिया है। टिल देन आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू कि आपने हमें यहाँ बुलाया और इतना बढ़िया टर्किश प्लेटर खिलाया। मुझे अच्छा लगा, आपके अच्छे दोस्त आए, हमने खाना प्लेटर में खाया, ख़त्म किया, बहुत अच्छा लगा। ख़त्म तो करेंगे हम प्यार से, ख़त्म तो हम प्यार से बैठ के आराम से करेंगे, आराम से आप खाइए। पर आपने जिस प्यार और मेहनत से ये बनाया है, थैंक यू सो मच। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं खुद शूट क्यों कर रहा हूँ, रीजन इज राइट हियर, क्योंकि अब मेरी कैमरा टीम और मेरा डायरेक्टर ये ख़त्म करने बैठ चुके हैं। टीम ए की बारी ख़त्म, टीम बी मैदान में उतर चुकी है। दे विल मेक श्योर कि वी फिनिश दिस एंटायर टर्किश प्लेटर। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, please go and like, share and subscribe to guys the foodie. So till then, you guys take care, stay safe, I will see you soon.